सो गाइज वेलकम बैक, यू वॉचिंग बिग मसल टीवी। सो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में जो लोगों को हो जाती है, लड़कों को हो जाती है। और क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो इसलिए शर्म की वजह से क्या करते हैं लड़के लोग, अपने पेट में ही रख लेते हैं और इन चीज़ों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपको पता है थोड़ा ये सेंसिटिव टॉपिक है तो उनको थोड़ा शर्म आती है, हिचकिचाहट होती है, तो इसलिए वो बात नहीं कर पाते, अपने पेट में रख लेते हैं। तो देखो यूजली मेरे पास जितने भी डीएम आते हैं उनमें क्या होता है कि सेक्स का जो टाइमिंग होता है लड़कों का वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। अब सेक्स टाइमिंग क्या होता है, जब आप अपने जो भी आपका पार्टनर है, योर वाइफ और जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर एंगेज हो रहे हो, उस टाइम क्या होता है विद इन 1 मिनट या मैक्स 2 मिनट आपका डिस्चार्ज हो जाता है। और दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अब ये सब होने के बाद क्या होता है कि लड़का काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है और उसको माइंड में टेंशन भी हो जाती है, मतलब वो क्या रहा है। और काफ़ी काफ़ी लोग क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई कोई लोग अपने आप ही गूगल से कोई कोई मेडिसिन निकाल लेते हैं। और देखो होता क्या, देखो अपना है ना लाइफस्टाइल देखो बहुत बिजी है, इतना टाइम लोगों के पास नहीं है। अब जिस टाइप से देखो हम क्या करते हैं अपने हर्ट के लिए, लीवर के लिए हम सप्लीमेंट लेते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपने प्राइवेट पार्ट के लिए, जैसे हमारा पेनिस हो गया, उसके लिए भी हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए, जिससे कि क्या होगी हमारी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहेगी और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन जो है उनकी भी हेल्दी लाइफ रहनी जरूरी है। इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए ये दिक्कत लोगों के साथ आती है। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो मोस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ तीन ही दिक्कत आती है लोगों के साथ। पहला होता है प्री मैच्योर इजेकुलेशन, उनका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, सेक्स की टाइमिंग लो है। दूसरा आती है कि उनको सेक्स करने का मन नहीं करता, डिज़ायर नहीं है। लास्ट क्या आती है कि भाई मेरा स्पर्म काउंट लो है, बच्चे नहीं हो रहे, यही मेन चीज़ रहती है ना। तो इन्हीं के रिगार्डिंग आज मैं आपको एक ऐसा सप्लीमेंट बताने वाला हूँ जिससे ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी और आपको घर में ही लेना है, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं बात कर रहा हूँ नेचर मैनिया के लिफ्ट अप ऑयल और कैप्सूल्स के बारे में। अभी कैप्सूल जो है ये कंज्यूमेबल फोम का कैप्सूल है, ये आपको दो लेने हैं दिन में, एक आपको मॉर्निंग में लेना है, एक आपको इवनिंग में लेना है। दोनों ही जो है इनके अंदर सेम इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, एक आपको यूज़ करना है बाय माउथ, दूसरा आपको मसाज करना है, सेम इंग्रेडिएंट है, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बिलीव मी। लेने के बाद आपको खुद विद इन 21 डेज आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या चीज़ ली है। अब पहले बात करते हैं इसके बारे में, मैंने बता दिया आपको, आपको एक कैप्सूल मॉर्निंग में लेना है, एक कैप्सूल आपको इवनिंग में लेना है, दो कैप्सूल आप इनके दिन के ले सकते हैं। बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट विद रिसर्च इसके अंदर डाले गए हैं, जैसे कि सबसे पहला आ गया अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या होता है, अश्वगंधा हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, अश्वगंधा विल इंक्रीज योर डिजायर टू हैव सेक्स, आपके लिबिडो बोलते हैं जिसको, लिबिडो इज आपका सेक्स करने का मन है या नहीं है उसको लिबिडो बोलते हैं। अगर आपका लिबिडो ज़्यादा है तो यू विल हैव डिजायर टू हैव सेक्स, इफ योर लिबिडो इज लो आपको फील होगा कि नहीं आपको नहीं करना है, तो ये आपके लिबिडो को इंक्रीज करेगा। बहुत सारे और भी अश्वगंधा के बेनिफिट होते हैं लेकिन मेन जो है वो मैं आपको यहाँ बता के चलूंगा। सेकेंड हो गया शतावर। शतावर क्या करेगा, शतावर हमारी बॉडी के अंदर जाके व्हाट इट विल डू इज हमारा जो पेनिस का एरिया है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ज़्यादा करेगा, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको नीचे जाके ये ज़्यादा करने वाला। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, आपकी अगर इरेक्शन में दिक्कत है, अगर आपको लगता है आपका थोड़ा साइज का इशू है तो ये उसको दूर कर देगा, आपको प्रॉपर इरेक्शन मिलने वाला है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। दूसरा ये आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है, तो जिन लोगों को दिक्कत है उनको लग रहा है उनको बेबी नहीं हो रहा है तो वो दिक्कत भी इसको लेने से दूर हो जाएगी। थर्ड इंग्रेडिएंट जो भाई ये लोग डालते हैं, थर्ड इंग्रेडिएंट इन्होंने डाला है, डेट इज़ सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम क्या है, सफ़ेद मूसली ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं उनको इंक्रीज करेगा। नॉर्मल जो टेस्टोस्टेरोन हेल्दी लेवल होते हैं 2000 अराउंड 600 700, थोड़े और भी उससे ऊपर आपके
जा सकते हैं अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी है तो। तो ये क्या करेगा, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होने से हमारी जितनी भी दिक्कतें सेक्स के रिलेटेड है सारी ही दूर हो जाएगी। तो अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो आप इसको लोगे तो वो दिक्कत आपको नहीं रहेगी, आपकी प्रॉपर रेंज के अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पहुंच जाएंगे। लास्ट इंग्रेडिएंट पे आ जाते हैं, लास्ट जो इंग्रेडिएंट डाला गया गाइस दैट इज लौंग। लौंग का काम क्या है, लौंग बहुत ही अच्छा काम करती है गाइस। अगर आपको प्री मैच्योर इजेकुलेशन की दिक्कत है तो लौंग आपके लिए समझ के चलो कि रामबाण है। अब होता क्या है, ज्यादातर लोगों का जो पेनिस का ऊपर का एरिया होता है दैट इज हाइपर सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिव होने से क्या होता है, जैसे ही वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं उनके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी की वजह से उनका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इट यूजली टेक अराउंड 1 or 2 मिनट। उन्हें लगता है भाई ये क्या बीमारी है। तो बट लॉन्ग विल डू इज लॉन्ग आपके बॉडी के अंदर जाके एंजाइटी लेवल को लो करेगी। एंजाइटी लेवल लो होने की वजह से आपका जो टाइमिंग है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। जैसे आपको दिक्कत है आपको 2 या 3 मिनट लगते हैं तो आप बहुत इजीली इससे आप 8 to 10 मिनट लास्ट कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा भाई 8 to 10 में, देखो रियल बताता हूँ रियलिटी में टाइम क्या होता है। रियल टाइम 5 मिनट 6 मिनट के आसपास, अगर आपका इतना टाइमिंग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप दूसरी और सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं, फोर प्ले हो गया तो वो उसके टाइमिंग में काउंट नहीं होगा। ये 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट डालेंगे भाई, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कोई भी इशू है, साइज का इशू है या प्री मैच्योर इजेकुलेशन का, अगर आपका लिबिडो लो है, आपका स्पर्म काउंट लो है, आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, सारी ही दिक्कतें इसको लेने से दूर हो जाएगी। अब काफी सारे लोग क्या होते हैं, उनकी जो पेनिस की स्किन होती है वो भी थोड़ी ड्राई रहती है, तो वो भी अगर आपको इश्यू है तो वो भी इसको लेने से दूर हो जाएगा। सो लास्ट में आ जाते हैं भाई, अब आप सोच रहे होगे भाई यूज कैसे करना है। तो ये बोतल आएगी आपकी भाई, यहाँ से इसको आप निकालेंगे, 2 ड्रॉप डालनी है आपको। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 2। इसको क्या करना है, इसके बाद अपने हैंड से आपको ऐसे रब करना है और जो भी आपका नीचे का प्राइवेट पार्ट है दैट इज योर पेनिस, नीचे से ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है। कितनी देर तक करना है, मैक्सिमम 2 मिनट, 60 सेकेंड to 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं करना है। बेस्ट टाइम कब है यूज करने का, यूज आप इसको रात को करें सोने से पहले, या अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होने वाली है उससे 20 मिनट पहले भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मेल को यूज करना है, फीमेल यूज ना करें, मैं इस वीडियो के अंदर मेल के ही बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिफ्ट अप ऑयल है। दूसरी एक मैं आपको खास बात बता दूं, देखो लिफ्ट अप ऑयल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड है, कोई ऐसे ही ब्रांड नहीं है भाई, सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, 100% सेफ है। अब हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर है ना इनकी बहुत सारी फेक कॉपी आ गई है। एक चीज का ध्यान रखना है इसके ऊपर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, ये आपको होलोग्राम लग के आएगा, यही आपको लेना है। मार्केट में फेक ब्रांड में आपको बता रहा हूं है अवेलेबल, दिखने में बिल्कुल सेम लगता है बट डेट इज नॉट ओरिजिनल। लिंक जो मैंने दिया हुआ है वहीं से बाय करना, गूगल पर जाके लिख के बाय मत करना, ओनली बाय फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो। आपको कोई फेक आ जाएगा उसकी मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट देगा नहीं देगा, तो लिंक मैंने दिया है वहीं से जाके बाय करना है। नेचर मैनिया का लिफ्ट अप मसाज ऑयल एंड कैप्सूल कॉम्बिनेशन है दोनों का, बहुत अच्छा काम करता है। 21 दिन बता रहा हूं यूज करके देख लेना। अब आप सोच रहे होगे यूज कौन कौन कर सकता है, किसी भी एज के लोग यूज कर सकते हैं, एज का कोई फैक्टर नहीं है। आप 18 के हो, 25 के हो, 35 के हो, 50 के भी हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते, टोटली सेफ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड है, सारी लैब रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेशन इनके पास अवेलेबल है। लिंक दिया हुआ भाई वहीं से बाय करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। देखो ये काफी सेंसिटिव टॉपिक होते हैं और ज्यादातर क्या होता है लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो हो जाए। अगर मेरे भाई जो हैं देख रहे हैं वीडियो, अगर मेरी इस वीडियो से तुम में से किसी भाई का भला हो जाए तो इससे अच्छा क्या है भाई। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके बाय कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बिग मसल टीवी साइनिंग ऑफ।